नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम वैदिक चिकित्सा में, और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे आयुर्वेद को लेकर, बात करेंगे वैदिक चिकित्सा की, और साथ ही साथ बात करेंगे आप लोगों की बीमारियों को लेकर, और वैदिक चिकित्सा के अंदर आपकी बीमारियाँ, आपके रोग, आपकी परेशानियाँ कैसे बहुत जल्दी ठीक हो सकती हैं, ये आज हम चर्चा करेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रोग को लेकर जो मुझे लगता है आमतौर पर आज उससे हर एक व्यक्ति परेशान है। जी हाँ, मोटापा, जिससे हर कोई दूर भागना चाहता है लेकिन कोशिश कोई नहीं करता। अब मोटापा आखिर आता किस वजह से है, कारण उसके पीछे क्या क्या हैं, इसको लेकर आज हम जो है कहीं ना कहीं प्रकाश डालेंगे, और साथ ही साथ बात करेंगे कि कैसे वैदिक चिकित्सा के अंदर इसका समाधान मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं अधिक जानकारी देने के लिए अभिषेक बंसल जी। नमस्कार बंसल सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अभिषेक जी। ये बताइए कि मोटापे को लेकर जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा रोग है जो हर किसी को है, हर कोई बाहर भी इससे निकलना चाहता है, भागना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि लोग कंट्रोल भी नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले इसका रीज़न बताइए कि जड़ क्या है, क्यों मोटापा होता है इतना जल्दी। देखिए, मोटापा इस समय जो बढ़ता जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसका एक कारण है, एक तो बाहर का खाना, दूसरा जो लोगों का लाइफस्टाइल ख़राब हो चुका है। एक तो बाहर का खाना इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, पश्चिमी सभ्यता हमारे इंडिया को खाती जा रही है। हम बाहर का खाना दरअसल नहीं खा रहे, बाहर का खाना हमें खा रहा है, हमारे जीवन को खा रहा है, हमारे स्वास्थ्य को खा रहा है। देखिए, हमारे शरीर में दो तरह के फैट होते हैं, एक तो सबक्यूटेनियस फैट होता है और दूसरा वाइसरल फैट होता है। हमारा एक सोनामृत, जो सोनामृत हमने प्रोडक्ट बनाया है, उसका लाभ हमारे शरीर पर बहुत ही अच्छा दिखाई दिया है। हमने हज़ारों लोगों पर इसको टेस्ट किया है और इसका लाभ मोटापे को लेकर बहुत बढ़िया हुआ है। क्या नाम बताया आपने उसका? सोनामृत। सोनामृत, सोनामृत। तो चलिए, सोनामृत आपके मोटापे को काटने में आपकी मदद करता है, और बाकी इसके अंदर और क्या क्या लाभकारी ऐसे गुण मौजूद हैं जो मोटापे को काटने में सहायक होते हैं, ये हम जानेंगे। लेकिन अगर आप भी मोटापे से परेशान हैं या आपके कोई भी रोग है, तो आप सीधे हमारे नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। और अभिषेक जी तो कहते हैं कि आपको मुझसे भी मिलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नंबर्स पे आप कॉल कीजिएगा, 24 घंटे हमारी लाइनें खुली हुई हैं। हमें संस्था में किसी भी वक्त फ़ोन करके आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं, मतलब दवाइयां अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो मात्र फ़ोन के थ्रू आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, दवाइयां खुद आप लोगों के घर तक पहुँचेंगी, ये जिम्मेदारी हमारी है, बस आपको जुड़ना होगा। जुड़ने के लिए आपको फ़ोन करना होगा, और फ़ोन नंबर सारे आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। हालांकि आज हम बात करें मोटापे को लेकर, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, बीमारी कैसी भी हो, आपकी हर बीमारी का इलाज संभव है वैदिक चिकित्सा के माध्यम से। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं सोनामृत को लेकर जो आप बता रहे हैं। मोटापे को कैसे काटती है, आखिर इसके अंदर ऐसा क्या मौजूद है, लोग क्यों खरीदें इसको? जी, सोनामृत जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो हमारे पूरी बॉडी के जो गलत तरीके के रजातीय द्रव्य होते हैं, जिनको हम बैड टॉक्सिन्स वगैरह बोलते हैं, शरीर में इधर उधर जगह जमा होते हैं, उसको पूरी तरीके से काटता है और शरीर में नए खून का संचार करता है। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारा शरीर जुड़ा हुआ है, हमारे शरीर पर कभी भी एक जड़ी बूटी एक तरह से काम नहीं करती, वो बहुत ज़्यादा तरीके से काम करती है और वो काफ़ी सारे बीमारियों को एक साथ काटती है। जैसा कि हमारा शरीर जुड़ा हुआ है, क्यों हम ये हाथ का पॉइंट दबाते हैं तो हमारे सर का दर्द ठीक हो जाता है, ये हाथ का पॉइंट दबाते हैं तो हमारे घुटने का दर्द ठीक हो जाता है, ये हाथ का पॉइंट दबाते हैं तो हमारा थ्रोट वगैरह में कोई भी दिक्कत होती है वो ठीक हो जाती है। इसी तरीके से शरीर का हर अंग जुड़ा हुआ है और हर अंग एक दूसरे पर निर्भर होता है। कान में, जैसे कि कान में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि दबाने से पूरा शरीर का ही उपचार संभव है। अब शरीर जुड़ा हुआ है तो इसके माध्यम से हम अगर एक चीज़ का उपचार करते हैं तो दूसरी चीज़ का खुद ब खुद ठीक हो जाता है चीज़ें। इस वजह से सोनामृत में जो जड़ी बूटियां हमने डाली हैं वो सब शरीर के काफ़ी सारी बीमारियों को ठीक करती हैं। अब पेट से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं,
तो सबसे पहले तो सोनामृत हमारे पेट को साफ करता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह है तो सोनामृत खाते ही सबसे पहले तो आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक होती है और उससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। सोनामृत दूसरी चीज़ पे काम करता है, वो है खून। ये खून की साफ करता है जिससे कि आपकी त्वचा चमकने लगती है, आपकी आँखों में सुंदरता आती है, बाल बढ़ते हैं। तीसरा, सोनामृत आपकी हड्डियों पर सबसे अच्छा काम करता है, जैसे कि गठिया हो गए, आपको जोड़ों में सूजन, जोड़ों में दर्द, ये सारी तमाम बीमारियां सोनामृत ठीक करता है। मतलब नाम तो सिर्फ एक है लेकिन काम इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि बताया कि आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है, सेकंड इज़ आप लोगों के जो हड्डियां हैं शरीर के अंदर जो जॉइंट्स हैं उनको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, और तीसरी बात जो आपके चेहरे पर चमक लेकर आता है, चेहरे पर एक ग्लो लेकर आता है, और साथ ही साथ आपके बालों को मजबूती देता है, बालों को शाइनी बनाता है। तो दर्शकों, अगर आप भी इसको मंगाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको फ़ोन करना होगा, बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं करना है, सिर्फ इन नंबर्स पे फ़ोन कीजिए, आपको पूरी बातें बतानी होंगी। हमारे यहाँ से जो भी व्यक्ति आपका फ़ोन उठाएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा जानकार होंगे, वो आपसे हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपको हिदायत देंगे, और साथ ही साथ सोनामृत आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और आपके घर तक वो कैसे पहुँच सकती है पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। तो सोनामृत मंगवाने के लिए आपको बस इन नंबर्स पर फ़ोन करना होगा, डिटेल्स आपके सामने हैं, आप लगातार फ़ोन करते रहिएगा, आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इन नंबर्स को ध्यान में रखिएगा। और अभिषेक जी कह रहे हैं कि मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं है, अगर हाँ कुछ लोग ये हैं कि भाई हमें मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें तो मिल के बात करनी है, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चलिए बाकी आप लगातार कॉल करते रहें, नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। अच्छा, आगे हम बात करते हैं मोटापे को लेकर ही। यंगस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो एकदम से आजकल स्लिम और ट्रिम वो दिखना चाहते हैं। अगर मैं थोड़ा और उम्र की आगे मैं बात करूं तो वो लोग भी अपने पेट को लेकर तो बड़े परेशान होते हैं, खाना पीना छोड़ना नहीं है, कोल्ड ड्रिंक लगातार, जंक फूड्स लगातार, खाने पीने का कोई टाइम नहीं है, जैसे कि आपने बोला लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है। आप मुझे एक बात बताइए, जैसे कि मोटापा जो कई सालों पुराना है, लोग क्या क्या नहीं आजमाते हैं, कोई वैद कोई हकीम नहीं छोड़ते हैं, सबके घर जा जाके सबके यहाँ से दवाई ले लेके वो तंग आ चुके हैं, तो क्या सोन अमृत पुराने से पुराना जो पेट की जैसे आपने बताया उस प्रॉब्लम को भी सही करता है? देखिए, बिल्कुल सही करता है। अगर आपको कितने ही साल से मोटापा है, ये उसको बिल्कुल ठीक कर देगा जड़ से, ये हमारी गारंटी है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आयुर्वेदिक संस्थान इस देश में बढ़ते जाएँ कम ना हो, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा बीमार हो रहे हैं आजकल की दुनिया में कि बीमारी की कोई सीमा ही नहीं रह गई। एक तो ये जगह जगह के फूड स्टॉल्स और ये सब चीज़ें खाने पीने का, उल्टा सीधा खाना पीना, लोग इसके इतने आदि हो चुके हैं, और मैदा और तली भुनी चीज़ें, इनसे पीछा छुड़ाना आज की दुनिया में नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि आप बाहर रहते हैं, पूरा दिन बाहर रह के आप घर की खाना रोटी तो खा नहीं पाते, आपको मिलता है सिर्फ ये फ्राइड फूड या फास्ट फूड या मैदा से बनी हुई चीज़ें। अब ये मैदा से बनी हुई चीज़ें आप खा खा कर अपना पेट और अपना शरीर बिल्कुल बेकार कर लेते हैं। इसकी वजह से हम आपके लिए आयुर्वेद लाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में ही इस चीज़ का इलाज है। एलोपैथी में तो आपको एक रात में असर दिख जाता है, पर 6 महीने बाद कोई नई बीमारी खड़ी हो जाती है। इसकी वजह से हम आयुर्वेद को प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद आपकी बीमारी को जड़ से ठीक करता है, और आयुर्वेद के 100% रिजल्ट होते हैं। इसमें हर बीमारी का उपचार होता है। आप हमारे नंबरों पर अभी कॉल कर सकते हैं इसी वक्त, और 1 घंटे बाद भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी कॉल कीजिए, हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं और आपको ठीक करने के लिए हम तत्पर हैं। बहुत सही यहाँ पर बात की है दर्शकों अभिषेक जी ने। देखिए, मकसद सिर्फ इतना है कि भारत स्वस्थ हो, भारत रोग मुक्त हो। हम लोगों के अंदर इतनी सारी बीमारियां पनपने उठती हैं, इतनी सारी बीमारियां, इतने सारे रोग, दिक्कतें, परेशानियां, हम लोग फिर इस तरीके से मेंटली स्ट्रेस्ड भी हो जाते हैं। आजकल देखा जाए बीमारियों को लेकर, तो इंसान एक बीमारी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, पता चलता है कि भाई तुम्हें तो 4 बीमारियाँ और हैं। ऐसे में आप लोगों को क्या करना है, नंबर आपके सामने, आयुर्वेद की सलाह लीजिए, वैदिक चिकित्सा आपके उसमें बहुत मदद करेगी। आप बस नंबर्स पे फ़ोन कीजिए, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी, और आयुर्वेद के माध्यम से आप ठीक हो सकते हैं। वैदिक चिकित्सा के अंदर इतना दम है कि वो आपके तमाम रोगों को सही कर सकती है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा धैर्य और थोड़ा सा आपको विश्वास रखना होगा।
पूरी जानकारी के लिए आप संपर्क करते रहिएगा, नंबर आपके सामने लगातार फ्लैश हो रहा है, आपकी बीमारी बताइए, जानकारी लीजिए, 24 घंटे हमारे नंबर्स बिल्कुल आप लोगों की सुविधा में हैं, आपको बस फ़ोन करना होगा। आप दवाइयाँ ऑर्डर करना चाहते हैं सोनमृत को लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो आपके पेट संबंधी आपके मोटापे को काटता है, तो तुरंत इस दवाई को मंगाने के लिए आपको कॉल करना होगा, नंबर है सारे आपके लिए स्क्रीन पर। अच्छा अभिषेक जी, अब मुझे यहाँ पर एक बात बताइए, जैसे कि हम सोन अमृत को लेकर बात कर रहे हैं, आपके संस्थान में ऐसी और कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो व्यक्ति जो है मंगा सकता है? इसमें सबसे पहले बात करूँगी अपनी स्किन को लेकर, क्योंकि हर कोई बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि सुंदर दिखना है, जवान दिखना है, क्योंकि आजकल उम्र से पहले चेहरे पर सबसे पहले बुढ़ापा दिखने लगता है। तो आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले स्किन को लेकर ऐसी क्या कुछ खास दवाइयाँ आपके यहाँ पर मौजूद हैं? देखिए, स्किन को लेकर हमारे पास एक स्किन टाइटनिंग ऑयल होता है जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, हज़ारों लोग लाखों लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा चुके हैं हमसे। हमारा ये तेल पार्लरों में सप्लाई होता है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट निकलता है। आपके चेहरे पर अगर काले दाग, झाइयाँ, रिंकल्स वगैरह कुछ भी हैं तो ये उस चीज़ को साफ करता है। आपके पास अगर स्ट्रेच मार्क्स अगर आपकी बॉडी पे पड़ चुके हैं किसी भी तरीके से प्रेगनेंसी के बाद, या किसी भी तरीके से अगर आदमियों के जिम जाकर स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं कभी कभी कंधों पर, तो ये स्ट्रेच मार्क्स को मिटाने में 100% साबित हो चुका है तेल, और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट निकल कर आते हैं। ये तेल आप मंगाइए और अपने घर पे एक महीने यूज़ करके देखिए, इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। अच्छा एक बात और बताइए, कब किस वक्त लगाना है, इसका टाइमिंग क्या है, कितना टाइम लगाना है? और साथ ही साथ एक सवाल और है कि जिनकी स्किन ऑयली होती है प्लस ये ऑयल है, तो क्या ऑयली स्किन है प्लस हम ऑयल लगा रहे हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट वगैरह? जी, आयुर्वेदिक दवाइयों का कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, पहले तो आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। ये आयुर्वेदिक दवाई है, इसका साइड इफेक्ट नहीं हो सकता, इसका फ़ायदा ही होता है। इसको सिर्फ दिन में एक बार किसी भी टाइम आप 10-15 मिनट के लिए लगा लीजिए, फिर धो लीजिए, क्योंकि आप ऑयली स्किन लेकर मैं मानता हूँ कि आप बाहर नहीं निकलना चाहेंगी, तो आप इसको लगा के 15 मिनट 10 मिनट मसाज कर लीजिए थोड़ी सी अपने फेस पर, और फिर इसको साबुन से धो लीजिए। इसका रिजल्ट आपको एक महीने के अंदर अंदर दिख जाता है और ये बहुत ही अच्छी दवाई है। चलिए, स्किन टाइटनिंग आपने ऑयल बताया, मतलब ये आपके स्किन को टाइट रखता है। लाइक जैसे कि हम देखते हैं ना कि उम्र के साथ साथ आपकी खाल लटकनी शुरू हो जाती है, फिर लोग पता नहीं क्या क्या फेशियल एंड ऑल ये सारी चीज़ें कराते हैं। हालांकि कहा जाता है कि महिलाएं अपनी स्किन को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, पुरुष भी पीछे नहीं हैं। पुरुष भी अपनी स्किन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि भाई स्किन कहीं लूज़ ना हो जाए, हमारी स्किन चमकनी चाहिए। चलिए अच्छी बात है भाई, चेहरा अपना ही है, हम ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तो अगर आप अपनी स्किन यानी कि अपने चेहरे से रिंकल्स को, पिंपल्स को, पिगमेंटेशन जो आ जाती है, साथ ही साथ झाइयाँ जो पड़ जाती हैं, आपकी स्किन लूज़ होने लगती है, आप उसको सही करना चाहते हैं, उसको टाइट और हेल्दी रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये स्किन टाइटनिंग ऑयल अगर आप चाहते हैं मंगाना तो नंबर आपके सामने है। मतलब हम तो ये कह रहे हैं कि आपको कोई भी जानकारी चाहिए किसी भी तरह की, बस जुड़ना होगा आपको, फ़ोन कीजिए, बस लगातार डिटेल्स आपके सामने फ्लैश हो रही हैं। ये नंबर आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं बता पा रही हूँ या फिर मुझसे कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं, छूट गई हैं, तो वो सारी जानकारी आपको नंबर देंगे, क्योंकि आप लोगों की सुविधा के लिए ही ये नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। घर बैठे आप दवाइयाँ मंगा सकते हैं, ना सिर्फ आपकी स्किन को लेकर, आपके मोटापे को लेकर, आपको पेट को लेकर, आपको कैसी भी बीमारी है, कितनी सालों पुरानी परेशानी क्यों ना हो, डॉक्टर्स के चक्कर काट काट के आप थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, आपको बस इन नंबर्स के थ्रू जुड़ना होगा, तुरंत फ़ोन कीजिए, बिना किसी देरी के घर तक दवाइयां पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। अगर आप चाहते हैं किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन, बस एक फ़ोन कॉल जो आपके हर सवाल का जवाब देगा। चलिए, स्किन को ये तो आपने कहा कि भाई ऊपरी तरह से मतलब ऑयल आप अप्लाई कर सकते हैं, आप ये बताइए कि अगर हम खुद को अंदर से स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आजकल जो हमारा खान पान है उसमें क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बदलाव हमें करने होंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बाहर का खाना, जितना भी ये बाहर का आप जंक फूड वगैरह खाते हैं, इसको सबसे पहले छोड़ दीजिए। ये जंक फूड खाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ये सिर्फ स्वाद देता है, जीभ को अच्छा लगता है इस वजह से आप खा लेते हैं, बट ये शरीर के अंदर जाकर इतना नुकसान करता है कि पूछिए मत। पहले के ज़माने में जब बच्चों के लूज़ मोशन लग जाते थे तब हम उनको एक ब्रेड पीस खिला देते थे, एक मैदा का बना एक ब्रेड पीस, अब उनके दस्त
वहीं रुक जाते थे, उनके लूज मोशंस वहीं स्टॉप हो जाते थे। अब सोचिए पहले के ज़माने में ये मैदा का एक ब्रेड पीस बच्चों के लूज मोशन रोक देता था, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन कर देता था। अब के ज़माने में हम जो इतनी ज़्यादा मैदा से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, तो ये हमारे शरीर में कितना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन और कितना ज़्यादा फैट जमा कर देता होगा। अब हमको इस फैट से निजात पाने की ज़रूरत है। पहले तो सुबह सुबह उठिए, आप सुबह जल्दी उठिए पहली बात तो, दूसरी बात आप योगा कीजिए और एक सेब रोज़ाना खाइए। जी चलिए, मतलब हेल्दी रहने के लिए आपको पहले खुद को अंदर से फिट करना होगा। अंदर से फिट तब होंगे जब, बिल्कुल सही बात है, जब आप योगा का सहारा लेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, आप अपने खान पान का ध्यान रखेंगे। मुझे ऐसा लगता है हमारे बोलने से बेसिकली कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि ये बात सच्चाई है। इंसान को जो अच्छा लगेगा वो करेगा वही। अगर आप लोगों की शाम को पार्टी है आज, अगर हम लोग कहें कि नहीं भाई वहां जाके कोल्ड ड्रिंक मत छूना, जंक फूड्स मत खाना, आप सबसे पहले उसी के ऊपर आपकी नजरें जाएंगी, ये बात फैक्ट है। तो दर्शकों ये चीज इसे प्लीज थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिएगा, क्योंकि शरीर आपका है, इस चीज का थोड़ा ख्याल रखिए। और दूसरी बात, जब डॉक्टर आपको परहेज के लिए कहता है ना, वो परहेज नहीं, एक्चुअल में हमें खाना वही खाना हो खाना चाहिए, लेकिन क्या करें उसको हम परहेज के नजरिए से आजकल देखने लगे हैं। परहेज की चीजों को बिल्कुल आप लोगों को अपने आप से दूर रखना है कि जो चीज नहीं खानी तो मतलब नहीं खानी, क्योंकि शरीर अगर आप अपना स्वस्थ रखेंगे तो जिंदगी भर ही आपका साथ देगा। आपका अपना कोई साथ दे ना दे, लेकिन आपका शरीर हर पल हर वक्त आपका साथ देगा, आपके दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह, जो हमेशा आपको तमाम प्रकार की रोगों से बीमारियों से बचाएगा। उसके लिए मेहनत हमें ही करनी होगी। मेहनत क्या है, बस इन नंबर्स पे फ़ोन करना होगा। कैसे आप स्वस्थ हो सकते हैं, कैसे आपके रोग जा सकते हैं, ये तो हम आपको बताएंगे ना। हमारे संस्थान के नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, फ़ोन लगातार करते रहिए 24 घंटे। इसीलिए आप लोगों के लिए हमने लाइंस खुली भी रखी है, तो क्योंकि लोग कहते हैं कि जी हमारे पास शाम को टाइम नहीं है, हमारे पास सुबह टाइम नहीं है, तो जब आपके पास टाइम हो तभी आप जागे, उठे, फ़ोन करें और पूरा समाधान प्राप्त करें। वो कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा, तो बस सवेरा अब हो गया है। आप उठिए, फ़ोन कीजिए, आपकी जो भी बीमारी है, आपकी मम्मी को है, आपके पापा को है, आपको खुद है, आपकी दादी दादा नाना पड़ोसियों को भी है, तो भी आप ये नंबर्स लोगों में बांटिए, शेयर कीजिए, ताकि लोग इनका लाभ उठा पाएँ। चलिए, यहाँ पर तो बात हो गई स्किन को लेकर, बात हुई मोटापे को लेकर, बात हुई पेट को लेकर बात हुई। हालांकि अभी वक्त भी थोड़ी देर में विराम के लिए हमें इशारा करेगा, अगले एपिसोड्स में बहुत सारी जानकारियां और दर्शकों को देंगे, लेकिन फिलहाल क्या कुछ टिप्स आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो इस्तेमाल कर सकें? देखिए, सबसे पहले तो जब आप उठें तो उठ के मुँह में पानी भर के आँखों में खूब सारे छींटे मारिए, कम से कम 15 या 20 बार ये छींटे मारिए। उससे एक तो आँखों की रोशनी तेज़ होती है, और दूसरी बात उसको फिर पोंछिए मत तौलिए से। जब आप मुँह धो के तौलिए से पोंछ लेते हैं तो उसको पोंछिए मत, उससे क्या होगा, सूखने दीजिए उस चेहरे को, क्योंकि चेहरे पर तरावट आएगी, चेहरा मॉइस्चर रहेगा, सूखेगा नहीं। फिर आप एक सेब रोज़ाना खाइए सुबह, और पार्क ज़रूर जाइए, ज़रा सैर ज़रूर कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और व्यायाम थोड़ा सा अपना फिजिकल एक्सरसाइज सुबह सुबह ज़रूर कीजिए। चलिए, तो टिप्स के तौर पर इन चीज़ों को आपको अपने लाइफ में अपनाना है, एक्सरसाइज आपको करना है, योगा करना है, और एक सेब, कहते हैं ना कि एक सेब आपको बीमारियों से दूर रखता है, वो सेब आप ज़रूर खाएं, हेल्दी आपको रखेगा, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। और साथ ही साथ आपको एक टिप्स उन्होंने और दी थी अभिषेक जी ने, उसको आपको ज़रूर फॉलो करना है। फिलहाल हालांकि वक्त इशारा कर रहा है प्रोग्राम के लिए विराम देने का, लेकिन आने वाले एपिसोड्स को आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसके अंदर और भी तमाम रोगों को लेकर चर्चा होगी, कैसे आप दूर हो सकते हैं ये भी आपको बताया जाएगा। फिलहाल आपका जो है काम सिर्फ इतना है कि इन नंबर्स पर आप फ़ोन लगातार करते रहें जिस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, क्योंकि अगर आपको जो भी रोग है, जो भी परेशानियां है, आप यहाँ पे फ़ोन कीजिए, हमारे यहाँ से आपको पूरी डिटेल्स ली जाएगी, जैसे कि आपको ये बीमारी कितने सालों से है, आपको और कौन कौन सी दिक्कतें हैं, सिम्टम्स आपसे पूछे जाएंगे, बाकायदा फ़ोन पर इत्मीनान से बिल्कुल आराम से आपकी सारी बातों को सुना जाएगा, आपको हिदायतें दी जाएंगी, और आपको जो दवाई बताई जाए वो आपको ऑर्डर करनी है, घर तक आपके पहुंचेगी, आयुर्वेदिक है, इसका आपकी बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, 100% आयुर्वेदिक है, इसका लाभ उठाइए, तुरंत कॉल कीजिए, नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है। आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, आप तो चाहेंगे जा सर, नमस्कार। अगर आप ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, थायराइड, सर्वाइकल माइग्रेन, सफेद पानी,
गठिया, मोटापा, कब्ज, जोड़ों का दर्द और बवासीर जैसी समस्याओं से परेशान हैं, तो इसके समाधान हेतु तुरंत संपर्क करें 0920-538-3941, 0920-538-3942, 0920-538-3943, 0920-538-3944। हमारा पता है 166 खिड़की, ऑपोजिट साईं बाबा मंदिर, नियर सिलेक्ट सिटी वॉल्क मॉल, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली। फॉर अ करियर विद वैदिक चिकित्सा, मेल योर रिज्यूमे टू वैदिक चिकित्सा @gmail.com।